Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So today I'm back with beautiful hairstyles, not one, not two, but three hairstyles. और तीनों की सबसे यूनिक बात यह है कि तीनों हेयर स्टाइल्स को बनाने के लिए आपको किसी पिन की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड इज़ रबर बैंड्स. वो किसके घर में नहीं होते. सो इफ़ यू इंटरेस्टेड दैट कि ये तीनों हेयर स्टाइल्स कितनी आसानी से बनने वाले हैं फॉर ओनली यूजिंग रबर बैंड्स. So yeah, let's start the video. चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं. पहला हेयर स्टाइल जो है बैक पर जाएगा और आपने एक मिडल सेक्शन लेना है और उसके बाद उसकी आपने थोड़े थोड़े वक्फे से आपने पोनीज या रबर बैंड जो है उस पर लगा लेना है. उसके बाद आपने राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट एक सेक्शन में आपने दो जो बल हैं वो आपने गुजार लेने हैं. इसी तरह राइट से जब लेफ़्ट में जाना है तो जो पिछला बल था उसको आपने उसके साथ ऐड करते जाना है. एज़ यू कैन सी आपको नज़र आ रहा है कि जब आपने राइट से लेफ़्ट में जाना है तो आपने पिछला बल जो है वो साथ लेकर और उसको फिर आपने अपने जो रबर बैंड के बीच में गैप है उसमें से आपने गुजार लेना है. इसके लिए आपको इस तरह का टूल जो है वो होना आई थिंक थोड़ा ज़रूरी है. जब तक आपके पास इस तरह का टूल नहीं होगा तो आपका ये हेयर स्टाइल उतना नीटली नहीं बन सकेगा, क्योंकि अगर आप इस टूल के बगैर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथों से वो रबर बैंड जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं और वो उसमें खूबसूरती जो है ना वो नहीं आएगी. बाकी बहुत आसान है हेयर स्टाइल बनाना और बहुत ही यूनिक भी लग रहा है. थोड़ा सा ऊपर से फ्रंट से आप फ्लिक्सेस वगैरह छोड़ सकते हैं और बैक से आपका खूबसूरत हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. जी अब चलते हैं अपने दूसरे हेयर स्टाइल की तरफ और उसको बनाना भी बहुत ही आसान है. आपने फ्रंट सेक्शन से एक बारीक सा बल लेना है और उसको आपने रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है. उसके बिल्कुल साथ आपने दोबारा एक और बारीक सा बल लेना है. जिस तरह हम फ्रेंच टेल के लिए बल लेते हैं उसी तरह आपने बल लेना है और अपने जो पहला सेक्शन था उसमें से अपने हाफ बाल लेकर इसमें ऐड कर लेने हैं. इसी तरह हम इसी ट्रेल को लेकर आगे चलते जाएंगे. फ्रेंच टेल की तरह जितने बारीक आपने बल लेने हैं और पिछले बल से आपने एक बल लेकर आधा बल लेकर तो आपने उसमें रबर बैंड चढ़ा लेना है. तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आ रहा होगा. मुझे तो ये बहुत ईजी लगा हेयर स्टाइल. अब आप चाहें तो इसमें से अपने जो सेक्शंस हैं उनको हल्का हल्का पुल भी कर सकते हैं और इसको आप जिस तरह चाहे डेकोरेट भी कर सकते हैं. हर रबर बैंड के साथ आप कोई ना कोई बीट भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपका हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लगने वाला है. इसी तरह आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट लेके जा सकते हैं अपने बालों को और दोनों सेक्शन की तरफ अपने बाल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये हेयर स्टाइल. आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि इस तरह के खूबसूरत हेयर स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपको नए डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ. सो इसके बाद ही हमारा यहाँ पर हेयर स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है. इसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ और उसको कैसे बनाना है उसको बनाना भी बहुत आसान है और उसके लिए भी आपको किसी भी पिन की ज़रूरत नहीं होगी. ऑल यू नीड इज़ अ रबर बैंड और वो भी फ्रंट सेक्शन का हेयर स्टाइल है. चलिए जी फ्रंट का हेयर स्टाइल बनाना है और इसको बनाने के लिए भी हमें फ्रेंच टेल की तरह ही आपने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और आपने उन सेक्शन को आपने रबर बैंड कर लिया था. इससे पहले जो मैंने आपके साथ हेयर स्टाइल शेयर किया था उसमें हमने पिछले बल को साथ लेकर नेक्स्ट रबर बैंड के ऊपर हमने बांधा था, लेकिन इस हेयर स्टाइल में आपने छोटे छोटे सेक्शंस को लेकर सिर्फ रबर बैंड से उनको टाई कर लेना है और इसके बाद जो हम उसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. बालों में थोड़ा सा ट्विस्ट है और थोड़ा सा ट्विस्ट आपको समझ लेना है तो आपको ये हेयर स्टाइल बनाना बहुत आसान लगेगा. आपने करना ये है कि आपने पहली जो आपने पोनी बनाई थी उसको आपने तीसरी पोनी के साथ दोबारा रबर बैंड से आपने अटैच कर लेना है. यानी कि जो सेकंड वाली पोनी है उसको अभी आपने छोड़ देना है और इसी तरह सेकंड वाली पोनी को आपने अटैच करना है फोर्थ वाली पोनी से. लेकिन उससे पहले आपने बालों को क्रिस क्रॉस कर लेना है इस तरह कि पहला सेक्शन नीचे चला जाएगा और जो अभी थर्ड वाला सेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. यानी कि अब सेकंड वाले बल को हम अटैच करेंगे फोर्थ नंबर वाली पोनी से और इससे पहले जो हमने थर्ड वाला सेक्शन बनाया था उसको हम अब अटैच करेंगे फिफ्थ वाली पोनी से. लेकिन हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे इस तरह
कि पहला वाला बल जो है वो फ्रंट वाले बल के नीचे आ जाएगा और इस तरह एक आपको वाटरफॉल सी या आपको क्रिस क्रॉस सा डिज़ाइन जो है वो मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मैं हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर, और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने किस तरह एक एक सेक्शन को हल्का हल्का पोल करते जाना है और पहले वाले बल को तीसरे से, दूसरे वाले को चौथे से, और फिर इसी तरह आप सो ऑन आगे हेयर स्टाइल बनाते चले जाएंगे। इस तरह आपका ये हेयर स्टाइल जो है वो फ्रंट सेक्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरती से बनेगा, लेकिन आप चाहे तो दोनों दरमियान वाली पार्टीशन करके आप दोनों तरफ भी बना सकते हैं। ये हेयर स्टाइल आप चाहें तो आप बैक पर भी पोनी को भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो। बाकी ये बाल आपके जो फ्रंट सेक्शन पर छोटे बाल रह जाते हैं खासकर, उनसे इन बालों को स्टाइल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने आज से पहले इस तरह रबर बैंड से बने हुए कोई हेयर स्टाइल्स देखे हैं या आपने, आपको आते हैं बनाने रबर बैंड से हेयर स्टाइल्स बनाने। तो सिर्फ पोनीज ही नहीं आप रबर बैंड से कर सकते, आप बहुत सी डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पिंस वगैरह नहीं अवेलेबल, अब रबर बैंड्स तो हर एक के घर में होते हैं तो इनसे भी हेयर स्टाइल बनाए जा सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इस तरह के रबर बैंड्स के हेयर स्टाइल देखे हैं या कभी बनाए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आई है तो ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ दिस फन वीडियोज, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू, एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दिस अदर हेयर स्टाइल्स दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर एंड यू हैव लाइक देम सो मच। या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।